आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का गद्य खंड से पाठ 10। इसके पहले हमने काव्य खंड पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे गद्य खंड से चैप्टर 10 पाठ 10। इस पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, जिसके रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश जी। सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश जी का जीवनी पढ़ लेते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने की। इनका जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ और इनके बचपन का और नौकरी का सबसे ज़्यादा समय राजस्थान में बीता और इन्होंने अपनी स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति यानी इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ये भोपाल में रहने लगे और वसुधा पत्रिका के संपादक का कार्य भी किया यानी उससे भी जुड़े रहे। आठवें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। महत्वपूर्ण हस्ताक्षर यानी जाने माने प्रतिष्ठित नाम। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं लेकिन ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमिक पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है यानी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें पहल सम्मान दिया गया था, बनमाली पुरस्कार दिया गया था और राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से इनको पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया था। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में मध्यम वर्गीय यानी सामान्य जीवन जीते हुए कुशलता से अपने चित्त से बातों को समझते हुए इन्होंने कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ यानी इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से जो शोषित वर्ग हैं उनको जगाने का प्रयास किया। सामाजिक जीवन में जो जाति संप्रदाय धर्म और लिंग के आधार पर कि ये लड़का है ये लड़की है आदि भेदभाव के प्रति भी इन्होंने अपने स्वर को उठाया और रोचक किस्सा गोई यानी विभिन्न प्रकार की कहानियों किस्सों को लेकर के अनेक अनेक शैलियों में यानी भाषाओं में लिखी। उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध बनाती हैं। वाचिक परंपरा यानी बोलचाल की भाषा। चारों ओर सीमाओं में घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उनमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनके समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। यानी इनके कहने का ये तात्पर्य था कि सिर्फ चारों तरफ भूभाग से घिरे हुए स्थान को देश नहीं कहते हैं, उस देश में प्रकृति प्रदत्त और मानव जाति समान रूप से निवास करते हो और उसके प्रति समस्त मानव जाति का प्रेम हो उसे हम देशभक्ति कहते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसमें शामिल हैं यानी देश के प्रति अपनी भागीदारी दिखाने का बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने देश के कुछ अप्रतिम
भावनाओं को व्यक्त किया है और उसके साथ साथ ही देशभक्ति सिर्फ सीमा पर रह करके लड़ने से ही नहीं होता है। देशभक्ति अपने अपने प्रति से, अपने अपने अनुभव से और अपने अपने कार्यों से व्यक्ति गांव और कस्बे में रह करके भी उसे निभा सकता है। इन्हीं बातों को लेखक ने यहाँ पर प्रकाशित किया है। आइए पढ़ते हैं कहानी। कहानी की समरी समझ लेते हैं, पहले पाठ का रूपरेखा देख लेते हैं। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं होता, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक और प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षियों सभी से प्रेम करना होता है एवं उनकी रक्षा करनी होती है। लेखक ने चश्मा बेचने वाले यानी कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी, अभावग्रस्त यानी कि समस्त साधनों से वंचित रहते हुए भी, अभावों में जीते हुए भी, उसने देशभक्ति की भावना उसके हृदय में कूट कूट कर भरी है। परंतु हमारी कौम यानी हमारी जनता ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किए और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। प्रस्तुत कहानी में स्वयं प्रकाश जी ने कैप्टन के माध्यम से उन हृदय विदारक तथ्यों को उजागर करने का प्रयास किया है जो कि किसी न किसी रूप में अपने देश के प्रति अपना योगदान देते हैं, परंतु वही कौम, वही जनता, उसी कस्बे में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें हंसी का पात्र बनाते हैं या समझते हैं। आइए देखते हैं। हल्दार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक भी बाजार था कस्बे में। एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्का करवा देती थी तो कभी पेशाब घर बनवा दिया करती थी, कभी चबूतरों की छतरी बनवा दिया करती थी। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जितने भी वहाँ पर लोग स्थित थे उस कस्बे में जहाँ से हल्दार साहब अपने कंपनी के काम से हर 15वें दिन वहाँ पर जाया करते थे, तो कितने कितने वहाँ पर लोग थे, कितनी दुकानें थी वहाँ पर, नगर पालिका के क्या क्या कार्य थे, तो बड़ी ही तल्लीनता से वहाँ के लोग इन सारे कार्यों को करते थे। पूरी बात तो तब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए यानी मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हों। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्हीं चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगी हुई है। यह कहानी उसी प्रतिमा के इर्द गिर्द चारों ओर ये घूम रही है। तो वो बता रहे हैं यानी मूर्ति को देख करके कह रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है, सब पूरी मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है, लेकिन ये उनका चश्मा संगमरमर का नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि शायद ऐसा कारीगर की वजह से हो गया हो या जल्दबाजी में कोई ऐसा कारीगर न मिला हो या अच्छी शिल्पकारी न रही हो या किसी स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही बुला करके ये कारीगरी दिखा दी गई हो या उसे बोल दिया गया हो कि आपको इतने समय में मूर्ति बना करके कंप्लीट कर देना है।
जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। मासूम यानी जो बच्चों जैसी मासूमी अच्छी लगती है, कमसीन यानी कम उम्र के। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगा। यह सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन था। यह उनके द्वारा आज़ादी के समय में दिया गया नारा था। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहनाया दिया गया था। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मूर्ति सुंदर भी थी, अच्छी भी थी, ऊंची भी थी, कमसीन भी थी, लेकिन उसमें कोई एक कमी खटक रही थी, जो कि उनका चश्मा था। चश्मा लगा अवश्य था, परंतु जो साधारण मनुष्य लगाते हैं वैसा संगमरमर का बना हुआ नहीं था। अब कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया। लक्षित किया यानी उसे देखना चाहा। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी यानी उत्सुकता भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल यानी असली का। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हलदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होकर के रह गई है। अब उस मूर्ति पर रियल का चश्मा यानी वास्तविकता का चश्मा देख करके यहाँ पर लेखक के मन में जो है उस गांव वालों के प्रति देशभक्ति को लेकर के एक भाव सा भर गया। वो बताते हैं कि कस्बे के लोग चाहे जैसे भी हों, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस कस्बे के लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। वरना आजकल तो देशभक्ति के नाम पर भी उसे लोग मजाक की चीज समझने लगे हैं। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हलदार साहब का कौतुक और बढ़ा यानी उनकी जानने की जिज्ञासा और बढ़ी। वाह भाई, यह हर्ष सूचक वाक्य है। वाह भाई जो इसमें बीच में शब्द दिया हुआ है, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। यहाँ पर मूर्ति के कपड़े न बदलने का विचार है। व्यक्ति यानी मानव अपनी विचारधारा को जिस देशभक्ति में ओतप्रोत कर लिया है वो भले ही न बदले, लेकिन अपनी आकांक्षाओं को, अपनी देशभक्ति की कौतूहलता को तो चश्मे के माध्यम से उनके चेहरे पर बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक दुर्दमनीय हो उठा यानी उनके हृदय में वह जो कौतुक थी, जो कौतूहल था, जो जानने की जिज्ञासा से उन्होंने उसमें बार बार देखते थे, और दुर्दमनीय यानी जिसे दबाया न जा सके। दुर्दमनीय का शाब्दिक अर्थ होता है जिस भावना को दबाया न जा सके। उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के
खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था यानी भरा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज यानी प्रसन्न चीत आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा यानी अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। अपनी तोंत थिरकी यानी उनके अंदरूनी हंसने से उसके पेट का भाग जो था वो थोड़ा सा हिला। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है यानी बदलता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक यानी ग्राहक खरीददार आ गया, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा यानी कहाँ से लाएगा या किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, फिर उधर जो दूसरा उसके पास चश्मा था उसको लगा दिया। अब हलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती यानी अच्छी नहीं लगती है, बल्कि आहत करती है यानी उसे दुखी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होती है यानी चाहिए होता है, तो वह कैप्टन मूर्ति का चश्मा उतार करके उस आदमी को यानी उस ग्राहक को दे देता है और फिर दूसरा चश्मा मूर्ति पर चढ़ा देता है, संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ऐसा वो करता होगा, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है यानी क्या उपाय है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। ओरिजिनल यानी रियल, जो उनका वास्तविक चश्मा था, यानी अब यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जो संगमरमर का बना हुआ चश्मा था वो कहाँ गया। अब इसके पहले पान वाला जवाब देता कि उसने अपने मुंह में दूसरा पान रख लिया था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंत थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे फिर पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित यानी दुखी करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे, मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी लिया होगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश नहीं की होगी, और अगर कोशिश भी करी होगी तो शायद असफल रहा हो, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, इतनी सारी बातें जो है वो लेखक पान वाले की बातों को सुन करके अपने मन ही मन में सोचने लगा। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा, कौतुक भरा यानी उत्सुकता भरा लगा। अब लेखक सोचने लगे, पान वाले से न जाने क्यों खोए खोए ख्यालों में उन्होंने पैसे पुकारा। चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था,
पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल, देखो आ रहा है, आप सभी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो तो उसका कहीं।